मुखालफत करती हूँ लेकिन हमारे जो मीडिया में बहुत सारे लोग हैं उन्होंने सियासी एक्टिविज़म की इतनी बदतरीन मिसालें कायम की हैं hmm. खासकर इस पिछले दौर में ah. एक एक वो जर्नलिस्ट जो सियासतदानों के साथ जाके जलसों में उनके ए, स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं और तकरीरें की हैं वो कैसे अपने को जर्नलिस्ट कह सकते हैं आई वुड नॉट लेट एनी बडी पे फॉर माई कॉफी इफ आई एम गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल मीटिंग बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे ख्याल से जब मैं तो जाती हूँ प्रोग्राम करने के लिए और तौर पे जब मैं स्टूडियो में एंटर होती हूँ तो तमाम एक्टिविजम को अपने ज़ाती जज्बा को पसंद नापसंद को एक तरफ रख के हम जाते हैं मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ के बिल्कुल मुखालिफ हूँ हमारे कुछ तो बल्कि हम ऑबियसली हम इंसानी हकूक के तो सबको वो हमारे नजरियात हैं कुछ का डेमोक्रेसी है कुछ का प्रेसिडेंशियल सिस्टम कुछ समझते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में अमरीत भी चल सकती है ज़्यादा कामयाब होगी क्योंकि सिस्टम तो उन्होंने ही चलाना है तो वो खुलकर वही चला लें सारा कुछ सही है। बट द थिंग इज़ के आप मैं ये समझती हूँ कि आ, दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती मतलब इवन मैं कुछ समाजी मामला भी कवर कर रही हूँगी मेरे झाती ओपिनियंस पर लेकिन कोशिश ये रहती है कि आप समाजी कारकुन को बुला के उसको वो सवाल रखें उसके सामने स़ी. क्योंकि मसला तब आ जाता है कि जब जर्नलिस्ट जो है वो जज करने लगता है उन लोगों को जिनकी hmm. स्टोरी वो कवर कर रहा है अब खा हाँ. वो मुजरिम ही क्यों ना हो बट यू कैन नॉट जज दैम यू कैन नॉट बी जज जूरी सो मेरी नज़र में मैं एक्टिविज़म से मुखालफत करती हूँ लेकिन हमारे जो मीडिया में बहुत सारे लोग हैं उन्होंने सियासी एक्टिविज़म की इतनी बदतरीन मिसालें कायम की है Hmm. खासकर इस पिछले दौर में ah. एक एक वो जर्नलिस्ट जो सियासतदानों के साथ जाके जलसों में उनके आ, स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं और तकरीरें की हैं वो कैसे अपने आप को जर्नलिस्ट कह सकते हैं अच्छा और आ, मैं आपके पॉडकास्ट चल रही है मेरे मेरा बहुत लंबा करियर अभी नहीं है एज अ प्रोग्राम होस्ट बट आई नॉट लेट एनी पे फॉर माई कॉफी इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल मीटिंग ये एक दुनिया का रूल है सहााफ़ी अपने फ़ॉर एग्जांपल अगर आप सहाफ़ी हैं आप मेरा इंटरव्यू करने आए हैं तो यहाँ पे आपको मैं कॉफ़ी भी पिलाऊंगी तो आप कहेंगे नहीं आई एल पे फॉर माय ओन यू नो दुनिया में ये इतना ज़्यादा रिस्पेक्टेबल yes. इतना सेक्रेट हमारा ये प्रोफेशन है mm -hmm. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे कॉलिग जो हैं वो तर्जुमान भी बने हुए हैं एडवाइज़र mm -hmm. भी बने हुए हैं mm -hmm. और उनके हर तरह के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं सो आई थिंक कंपटीशन भी हो आपका तो आप के ले उस पर हो ना मतलब एक जैसे रूल्स हों सबके लिए तो वो पाकिस्तान में नहीं है इसलिए आप ऐसी एक्टिविज्म नुमा जर्नलिज्म देखते हैं